फ्रेंड्स, मैटर के बारे में तो आप और हम सब जानते हैं, लेकिन क्या कभी आपने एंटी मैटर के बारे में सुना है? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मैटर की तरह ही एंटी मैटर होता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैटर में सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि एंटी मैटर में सेंटर में एंटी प्रोटॉन्स और एंटी न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके ऑर्बिट में पॉजिट्रॉन्स चक्कर काटते हैं, जब जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहता है। मैटर में नेगेटिव चार्ज रहता है और एंटी मैटर में पॉजिटिव चार्ज रहता है। आप जानते हैं 1 ग्राम एंटी मीटर की कीमत लगभग 63 ट्रिलियन डॉलर्स, अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 31,25,000 करोड़ रुपये 1 ग्राम एंटी मीटर की कॉस्ट पड़ेगी। यानी इस कॉस्ट में आप छोटे छोटे 100 देशों को खरीद सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1 ग्राम एंटी मीटर की कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों है? ऐसे कहते हैं कि 1 ग्राम एंटी मीटर से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। अगर स्ट्रॉल की बात करें तो सालों पहले अमेरिका ने जो हाइड्रोजन बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था, उससे कहीं ज़्यादा गुना डिस्ट्रक्शन होगा अगर 1 ग्राम एंटी मैटर ज़मीन पे गिरा दिया जाए। अगर मेडिकली बात करें तो 1 ग्राम एंटी मैटर के बहुत छोटे से हिस्से से कई टाइप के कैंसर्स को ख़त्म किया जा सकता है। और अगर साइंटिफिक बात की जाए और साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि अगर एंटी मैटर को रॉकेट के फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाए तो लाइट की स्पीड का 50% तक हम रीच कर सकते हैं। आप समझ चुके होंगे कि क्यों एंटी मैटर इतना ज़्यादा कॉस्टली है। सेकेंडरी रीज़न जो इसके कॉस्टली होने का ये है कि इसका स्टोरेज, गाइस अगर इसे स्टोर करना है तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिससे एंटी मैटर हवा में ही ठहरे। यदि ये किसी भी बॉक्स या स्टोरेज या किसी भी जगह रखा और विजय वहाँ टकरा गया तो ये वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए इसका स्टोरेज भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण एंटी मीटर इतना कॉस्टली पड़ता है। अब आप जान गए होंगे कि एंटी मीटर इतना कॉस्टली क्यों है। क्या आप एंटी मीटर की इस खासियत के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।